हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक नई मूवी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है थ्रू माय विंडो। ये 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक स्पेनिश मूवी है। मूवी स्टार्टिंग में रिचल अपनी स्टोरी बता रही होती है कि उसके घर के पास एक लड़का रहता है जिसका नाम आरिस, जिसपे वो पूरी तरीके से लट्टू है। आरिस एक बहुत बड़ा बिलियनर है। उसके फादर की पूरी कंट्री में एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसी के कारण वो एक बिलियनर है। आरिस रिचल के घर के पास रहता है। रिचल आरिस को लेकर पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है। वो उसके इंटरनेट से बहुत सारी पिक्चर्स डाउनलोड करती है और जब भी वो खिड़की पे आता है तो उसे ये देखती रहती है। एक दिन रिचल का वाईफाई बंद पड़ जाता है और यहीं से हमारी मूवी की स्टार्टिंग होती है। वाईफाई कनेक्ट न होने के कारण रिचल अपनी विंडो पे आती है और तभी उसे वहाँ आरिस का भाई दिखता है जो उसका वाईफाई यूज कर रहा है। आरिस के भाई को लगता है कि रिचल ने आरिस को अपने वाईफाई का पासवर्ड दिया है और इसी के लिए वो रिचल को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात रिचल के घर के बाहर बहुत तेज गाने बज रहे होते हैं। रिचल अपने बेड से उठती है और विंडो के पास वापस आती है। तभी वहाँ उसे आरिस दिखता है। आरिस वहाँ सुट्टा मार रहा होता है। तभी रिचल आरिस को बोलती है कि तुम मेरा वाईफाई यूज कर रहे हो और बहुत लाउड लाउड गाने बजा रहे हो। तभी आरिस उसे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा वाईफाई यूज कर रहा हूँ और तुम्हें जो खाड़ना वो खाड़ लो। तभी आरिस अपने म्यूजिक सिस्टम बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में आरिस को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो अपने दोस्त योशी से कुछ बात कर रही होती है। योशी आरिस को बहुत ज्यादा पसंद करता है पर आरिस ने उसे फ्रेंड जोन कर रखा है। स्कूल खत्म होने के बाद रिकेल प्लेग्राउंड जाती है जहाँ आरिस अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ रिकेल आरिस को बहुत घूर घूर के देखती है। तभी वहाँ बारिश हो जाती है और प्रैक्टिस बंद हो जाती है। तभी रिकेल वहाँ से भाग जाती है ताकि आरिस उसे देख ना ले। आरिस अपना बैग वैग पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी रिकेल उसका पीछा करती है। रिकेल पीछा करते हुए गार्डन में पहुंच जाती है। तभी उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। ये आयरिस था। आयरिस को देख के रिकल डर जाती है और वहीं कीचड़ में गिर जाती है। तभी आयरिस रिकल से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी। तभी रिकल बहाना मारने लगती है। तभी आयरिस उसे बोलता है कि तुम्हारा कंप्यूटर हैक करने के बाद मुझे सब कुछ पता लग गया है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो। मेरी बहुत सारी फोटोज तुम्हारे पास है और तुम्हारे वाईफाई का पासवर्ड आयरिस द ग्रीक गॉड है। तभी रिकल को डर लगने लगता है। तभी वो आयरिस को बोलती है कि तुम मुझे घर छोड़ दो। तभी आयरिस बोलता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर घर छोड़ूंगा कि तुम मुझे कहीं भी किस करने दोगी। तभी ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। किस होने ही वाला होता है कि तभी आयरिस अपने आप को रोक लेता है और उसे उसके घर छोड़ देता है। घर पहुंचते ही रिकल आयरिस की इंस्टा स्टोरी चेक कर रही होती है। तभी उसकी उसकी मॉम देख लेती है और उसे बोलती है कि आयरिस बहुत अच्छा लड़का है। तभी रिकल अपनी मॉम को बोलती है कि वो बहुत बड़ा बिलियनर है, उसका और हमारा कोई मेल नहीं। और फिर रिकल वापस अपने कमरे में पहुंच जाती है। पहुंचते ही उसे वहाँ आयरिस दिखता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी आयरिस रिकल को बोलता है कि तुम्हारा वाईफाई बंद पड़ गया था, मैं उसी को ऑन करने आया था। तभी रिकल उसे बोलती है कि मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी आयरिस बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तभी आयरिस रिकेल के पास आता है, उसे टच करने लगता है और उसे पूरी तरीके से गर्म कर देता है और उसे उसी हालत में छोड़ के वहां से चला जाता है। और फिर वो रिकेल को विच कह के बुलाता है क्योंकि रिकेल के हमेशा बाल बिखरे हुए रहते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि योशी अपने स्कूल के गार्ड को डिलीवरी देने के लिए जाता है पर वहाँ किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया होता। तभी योशी मौके पर चौका देखता है और स्विमिंग पूल की चाबी चुरा के वहां से चला जाता है। यही बात वो रिकेल को बताने के लिए वापस उसके स्टोर पे जाता है। योशी और रिकेल कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर आयरिस आ जाता है। आयरिस को देख के रिकेल छुप जाती है पर आयरिस को पता होता है कि वो वहीं है। तभी आयरिस रिकेल को एक क्लब की ओपनिंग पे इनवाइट करता है जो उसके बड़े भाई ने खोला हुआ होता है। तभी योशी थोड़ा सा जलन फील करता है और आयरिस को बोलता है कि मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और इसका फ्यूचर हस्बैंड भी। तभी आयरिस बोलता है कि तुम इसे भी साथ में लेके आ सकती हो। उसके रिकेल अपनी फ्रेंड को लेकर उस पार्टी में पहुंच जाती है। तभी वहां उसे आयरिस दिखता है। आयरिस एक डोर के अंदर जा रहा होता है, वो एक प्राइवेट जोन होता है। जैसे रिकेल अंदर जाने को देखते हैं तभी वहां उसे गार्ड रोक देता है। तभी आयरिस का छोटा भाई वहां आता है और गार्ड को समझाता है कि हमारी मेंबर है, इसे अंदर जाने दो। तभी गार्ड उसे मना कर देता है। तभी आयरिस का बड़ा भाई आता है और रिकेल को प्राइवेट रूम के अंदर लेके चले जाता है। आयरिस वहाँ क्लब के बाहर हैंगआउट कर रहा होता है, सुट्टा मार रहा होता है। तभी रिकेल वहाँ पहुंच जाती है और उसे टच करने लगती है, थोड़ा बहुत चुम्मा चाटी होती है और फिर रिकेल भी उसे जलते तवे पे छोड़ के चली जाती है। दरअसल रिकेल कल रात का आयरिस से बदला ले रही थी जैसा कि उसने उसे तवे में छोड़ के छोड़ दिया था। उसके बाद रिकेल वापस से क्लब के अंदर आती है। वहाँ अपोलो होता है। अपोलो आयरिस का छोटा भाई है। अपोलो रिकेल को बताता है कि उसके भाई लोग उसे कभी ड्रिंक विंक नहीं करने देते। तभी रिचेल अपोलो के लिए एक ड्रिंक खरीदती है और उसे पीने देती है। वो बहुत ज्यादा पी लेता है। अपोलो रिकेल की बहन को बहुत अच्छे से लाइन मारता है पर वो उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। ज्यादा पीने के कारण रिकेल और उसकी फ्रेंड अपोलो को लेकर घर चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए रिकेल बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना होगा। तभी अपोलो की वहीं फट जाती है और वो रिकेल का फोन कार से बाहर फेंक देता है जिससे रिकेल का फोन टूट जाता है। फिर रिकेल अपोलो को लेकर अपने ही घर चले जाती है। तभी वहाँ आयरिस आ जाता है और अपने भाई का टेक केयर करने लगता है। तभी वो रिकेल को बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर की भी ऐसे ही तबीयत खराब हुई थी और मैंने ही उनका पूरा ध्यान रखा था। मैं एक मेडिकल पढ़ना चाहता हूँ पर मेरे फादर चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूँ। ये बात वो रिकेल
को बताता है और फिर वो रिकेल के रूम में ही सो जाता है। तीनों एक ही बेड पे होते हैं, तभी एरिस रिकेल की गुफा में हाथ डाल देता है और फिर दोनों में ऊपर ऊपर गपागप शुरू हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि रिकेल अपना स्कूल खत्म करके वापस घर आ जाती है और तभी उसे गिफ्ट मिलता है जो एरिस ने उसे दिया हुआ था, वो एक आईफोन है। तभी रिकेल को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वापस एरिस के घर पहुंच जाती है और उसे उसका आईफोन वापस कर देती है और उसे बोलती है कि मेरा फोन चल रहा है, पूरी तरीके से टूटा नहीं है, एरिस किसी और लड़की से बात कर रहा हो। तभी रिकेल उसे बोलती है कि मैं बाकी लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ और वहाँ से जाने लगती है। पर रिकेल को पता नहीं क्या हो जाता है, वो वापस एरिस के पास आती है और उसे किस करने लगती है और फिर दोनों में बेलमपाली गपागप शुरू हो जाता है। गपागप खत्म होने के बाद एरिस रिकेल को इग्नोर करने लगता है, इसी बात से रिकेल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर रिकेल का वहाँ पर नेकलेस छूट जाता है, रिचल काफी अपसेट होती है। तभी एरिस रिकेल के नेकलेस के साथ फोटो खींचता है और उसे सेंड कर देता है। वो नेकलेस लेने के लिए रिचल वापस से एरिस के घर जाती है, पर वहाँ पार्टी चल रही होती है। रिचल और एरिस एक दूसरे को काफी इग्नोर करते हैं, पर पूल में मस्ती करने के कारण वो काफी गीली हो जाती है। तभी एरिस रिकेल को अपने रूम में लेके जाता है और उसे कपड़े सुखाने को देता है और कुछ नए कपड़े भी देता है। तभी दोनों में फिर से की बहुत सारी चुम्मा चाटी होती है और दोनों फिर से की गपागप शुरू कर देते हैं। गपागप खत्म होने के बाद एरिस वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एरिस के बड़े भाई की गर्लफ्रेंड आ जाती है और रिकेल को बोलती है कि एरिस यहाँ से जा चुका है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये तो उसका रोज का ही काम है। ये सब सुनकर रिकेल को काफी बुरा लगता है और वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी वो अपने कंधे योशी को याद करती है और उसे बुला लेती है। तभी योशी रिचल को बोलते हैं कि तुम अगर एरिस के बारे में बात करना चाहते हो तो हम बात कर सकते हैं। तभी रिकेल बोलते हैं कि मैं भी बहुत बड़ी चूतिया हूँ, काहे के लिए उसके पास गई थी, अब मैं उसके पास बिल्कुल ही वापस नहीं जाने वाली। रिचल का मूड अच्छा करने के लिए उसकी फ्रेंड उसे एक पार्टी में बुलाती है। तभी वहाँ से एरिस देखता है एक नई लड़की के साथ, उसका और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो योशी के साथ डांस करने लगती है ताकि वो एरिस को जला सके। इसके बाद योशी और एरिस पूल के पास चले जाते हैं, दोनों में काफी करीबी आने लगती है। तभी रिकेल बहुत ज्यादा दारू पी लेती है और इधर एरिस घर पर आकर वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे वो पासवर्ड क्रैक करता है उसमें बहुत सारी गालियां लिखी हुई होती है। तभी उसे बाहर से रिकेल की आवाज आती है, वो दारू पीकर उसके घर के सामने कुछ हंगामा कर रही होती है। तभी कुछ लड़के उसे छेड़ रहे होते हैं। तभी एरिस बाहर निकलता है और उसे अपने रूम में लेके चले जाता। तभी रिकेल उसे बोलती है कि तुम मुझे स्टोरी सुनाओ, तब फिर जहाँ से चले जाना। तभी एरिस रिकेल को बताता है कि उसके फादर ने उसे बोला है कि किसी भी लड़की से प्यार मत करना, एक बार उसने अपनी मदर के अफेयर को पकड़ लिया था। वो इस बात को उसके भाई को बताता है। तभी उसका भाई उसे उसके फादर के पास लेके जाता है। उसके फादर उसे बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे अफेयर रहते हैं, कुछ भी करना पर किसी भी लड़की से प्यार मत करना। फिर एरिस वहाँ से चला जाता और ये सब बातें रिकेल को मैसेज के थ्रू भी देता है और उसे डिलीट कर देता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिस अपने फादर से बात कर रहा होता है। तभी उसके फादर को सब कुछ पता होता है। वो बोलते हैं कि तुम कुछ करो, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत कम है, पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं तो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। और उसके फादर उसे फिर से समझाते हैं कि प्यार में कुछ नहीं रखा, अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इसके एरिस ये सब बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, वो रिचल से का दूर ही नहीं रह पा रहा था। कि एरिस फुटबॉल खेलने चले जाता है और तभी वो एक गोल करता है और ये गोल रिकेल को डेडिकेट करता है। इसके बाद रिकेल लाइब्रेरी चली जाती है। तभी एरिस उसके पीछे आता है और लाइब्रेरी में उसे बात करने लगता है। योशी को काफी जलन होती है। तभी एरिस रिकेल को बोलता है कि मैंने जो सब तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं तुमसे सिर्फ एक मौका चाहता हूँ। मैंने आज तक अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा दबा के रखा था पर मैं ये सब नहीं करने वाला। पहले तो रिकेल बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, पर वो फिर बाद में मान जाती है। तभी एरिस उसे कॉस्ट्यूम पार्टी के बारे में बताता है। एरिस से बात करने के बाद रिकेल वापस से बुक स्टोर के अंदर आती है, पर वहाँ योशी चला जाता है। तभी रिकेल योशी के पास जाती है और उसे बोलती है कि एरिस मुझसे माफी मांग रहा था और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, एक मौका देना चाहती हूँ। तभी योशी रिकेल को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है, एक दिन यूज करेगा और फिर तुम्हें छोड़ देगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, अगर तुम एरिस के साथ जाती हो तो हम लोग कभी साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद योशी वहाँ से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में रिकेल तैयार होकर एरिस के साथ एक पार्टी में जाती है। तभी रास्ते में एरिस उसे बोलता है कि वो पार्टी में नहीं जा रही, उसने प्लान चेंज कर दिया है। वो उसे अपने फादर की कंपनी में लेके जाता है और वहाँ टॉप फ्लोर में जाके एक सेटअप करता है जहाँ पर एक डिनर होता है। यह देख के रिकेल काफी इंप्रेस हो जाती है और दोनों वहीं टेरेस में गपागप शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोनों में गपागप टपाटप चलता रहता है, दोनों का रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था। एक रात एरिस अपने फादर के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी उसके फादर एरिस को बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तभी एरिस अपनी बात अपने फादर के सामने रखता है और उसे बताता है कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहता, वो मेडिकल पढ़ना चाहता है। तभी एरिस के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बोलते हैं कि तुमने कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया। तभी एरिस गुस्से में वहां से चला जाता है, जहाँ रिकेल जॉब कर रही थी वहां जाकर जॉब करने लगता है, वो भी पैसे कमा सकता है। एरिस को रिकेल के साथ काम करते हुए देख उसका बड़ा भाई देख लेता है और इसका ही बदला लेने के लिए वो एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करता है जहाँ पर वो रिकेल को इन्वाइट करता है। तभी एरिस को देख के रिकेल के फादर बोलते हैं कि तुमने तो ऑफिस देख ही लिया है और बहुत अच्छे से देखा है, क्योंकि इन लोगों ने छत में जो भी कांड किया था वो उसके फादर ने देख लिया। तभी एरिस का बड़ा भाई बोलता है कि आज की कैटरिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं, ये सब वो रिचल को नीचा दिखाने के लिए करता है। वहाँ रिकेल की मॉम सर्व कर रही होती है। तभी रिकेल को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद रिचल वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी एरिस का बड़ा भाई एरिस को बोलता है कि तुम ये सब अपने फादर से बदला लेने के लिए कर रहे हो ना, तुम्हें रिचल को कभी यहाँ लाना नहीं चाहिए था। जो भी हुआ था इस बात से दोनों काफी गुस्से में होते हैं। काम करते हुए एरिस रिकेल से बात करता है और उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मत रहो, मैं तुम्हें अपना चेहरा कभी जिंदगी में नहीं दिखा। इन दोनों का प्रॉब्लम है पहले साथ में जाने का प्लान, पर ये प्लान रिचल तुरंत कैंसिल कर देती है।
जाती है। जो भी होता है उन सब के लिए वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा सॉरी बोलती है। रिगेल बोलती है कि मैं एक बहुत बड़ी चूतिया हूँ, मेरी और आयरिस की रिलेशनशिप बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। तभी रिगेल की मॉम से बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, अगर तुम्हें आयरिस अच्छा लगता है तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए। फिर रिगेल की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे फादर भी बहुत अच्छे राइटर थे, पर उनके डर के कारण उन्होंने कभी उसको पब्लिश ही नहीं। और तुम्हें कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, तुम्हें अगर कोई भी चीज चाहिए तो तुम्हें उसे छीन लेना चाहिए या ले लेना चाहिए। रिचल अपनी मॉम के पास उनके आयरिस से मिलने के लिए जाती है। आयरिस की फैमिली मेंबर रिचल को उससे मिलने नहीं देते, पर रिचल उसे जोर से सॉरी बोल के वहां से चली जाती है। मूवी के अगले दिन में हम देखते हैं कि रिचल प्रोमनेट पर अकेले ही पहुंच जाती है और यहाँ रिचल की फ्रेंड अपोलो के साथ मस्ती कर रही होती है। तब आयरिस जुगाड़ पानी करके घर से भाग जाता है और प्रोमनेट पर पहुंच जाता है, पर रास्ते में उसे योशी मिल जाता है। योशी आयरिस कुछ देर बात करते हैं और फिर योशी आयरिस को स्विमिंग पूल के पास लेके आता है और उससे बात करता है। तभी आयरिस योशी को बोलता है कि मैं उससे बहुत चाहता हूँ और मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, तो मैं अगर मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो मुझे मार लो। तभी योशी आयरिस को पुश कर देता है और पूल में गिरा देता है। पूल में क्लोरीन होता है जिससे आयरिस को एलर्जी होती है। उसके बाद वो वापस से आयरिस के पास आता है और उसे गले मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत चाहता है। तभी आयरिस उसे बोलती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तभी योशी आयरिस को बताता है कि आयरिस उसे मिलने के लिए आया था और उसने उसे पूल में धक्का दे दिया। तभी आयरिस वापस से पूल के पास आती है और उसे अपने पूल से निकालती है। उसके आयरिस को एक हॉस्पिटल भर्ती कर दिया जाता है और वहाँ रिगेल भी होती है और तब तक वहाँ से नहीं आती जब तक आयरिस को होश नहीं आ जाता। उसके बाद रिगेल आयरिस के घर जाती है और उसके फादर से बात करती है और उन्हें बोलती है कि आयरिस को अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, तुम उस पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस बात को लेकर रिगेल अब उसके आयरिस के फादर को पूरी तरीके से कन्विंस कर देती है। और फिर कुछ दिन बाद आयरिस को होश आ जाता है और वो रिगेल को देखकर काफी खुश होता है। तभी आयरिस रिगेल को बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी अलग नहीं हुए और फिर दोनों में गपा गप टपा टप शुरू हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरिस अपने हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वापस जा रहा होता है जैसे वो एक डॉक्टर बनेगा। अब आयरिस के फादर भी इसे सपोर्ट करते हैं। उसके बाद रिगेल आयरिस को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती है। तभी एयरपोर्ट पे आयरिस रिगेल को बोलता है कि मैंने तुम्हारा वाईफाई जानबूझ के हैक किया था, मैं तुम्हें पहले से चाहता हूँ और मैं तुमसे बात करने के लिए ही तुम्हारा वाईफाई यूज किया था। रिगेल ये बात सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। प्लेन में पहुंचते ही आयरिस को रिगेल का गिफ्ट मिलता है, अंडरवेयर। ये देख के आयरिस काफी ज्यादा खुश होता है। अब जब भी आयरिस को ब्रेक मिलता है तो वो रिगेल के पास पहुंच जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।